हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वांट स्टडी। तो आज हम करेंगे एक और सैम्पल पेपर रीजनिंग सेक्शन पे बेस्ड फॉर JKSSB क्लास 4 रिक्रूटमेंट। तो इसमें 100 में से जो 20 मार्क्स हैं वो आपके रीजनिंग सेक्शन के हैं। इस सेक्शन के सिलेबस में 8 टॉपिक्स मेंशन थे जो आप देख सकते हैं। सो टुडे वी विल सॉल्व 20 MCQs बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनालॉजी। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं थर्मोमीटर इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। जिस तरह से थर्मोमीटर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, ओडोमीटर का किसके साथ है? तो अगर हम देखें थर्मोमीटर जो है वो एक टूल है, एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसी तरह ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है क्या मेजर करने के लिए? वेट, ह्यूमिडिटी, ब्लड प्रेशर या स्पीड। तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है स्पीड मेजर करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन टू देखते हैं। यहाँ दिया गया है 12 का रिलेशन 144 के साथ जैसा होगा, सेम रिलेशन हमें ढूंढना है ऑप्शंस में जो पेयर्स दिए गए हैं उनमें। तो अगर हम देखें 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, यानी 12 × 12 जो है वो होता है 144, यही रिलेशन है। तो आंसर में भी देखते हैं 13 का जो स्क्वायर है वो होता है 169, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 का स्क्वायर जो है वो होता है 196। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 12 का रिलेशन 65 के साथ। तो पहले इसको समझेंगे एंड देन वी विल सी कि ऑप्शंस में कौन सा सही है। सो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 60 एंड देन उसमें 5 ऐड कर दें तो 65। तो लॉजिक जो यूज़ किया गया है वो क्या है? n को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया गया है एंड देन उसमें 5 ऐड। तो सिमिलर लॉजिक हम ऑप्शंस में लगा कर देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 10 और 55। तो 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड किया जाए, यानी कि 50 में 5 ऐड करना है, तो हमें 55 मिल जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये बेस्ड है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स पे। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ, और आगे कुछ रिलेशनशिप दिया है तो वो देखते हैं। यहाँ पर जो हिज फादर्स वाइफ की बात की गई है वो अनिल के रिस्पेक्ट में की गई है। तो फादर की जो वाइफ होती है वो होती है मदर, और अगर हम देखें ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी ओनली ब्रदर ऑफ हिज मदर, तो मदर के जो ब्रदर होते हैं वो कौन होते हैं? अंकल। यानी अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ हिज अंकल, यानी अनिल के अंकल हैं और उनका सन है। तो अंकल का सन कौन होता है? अंकल का सन होता है कज़न। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कज़न। तो इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम फैमिली ट्री बना सकते हैं, कि अनिल है, अनिल के फादर की वाइफ है, ठीक है, यानी कि उनकी मदर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अनिल की मदर बना लेते हैं, और ओनली ब्रदर ऑफ मदर है, ठीक है, तो यानी कि वो अंकल हो जाएंगे। किसके? अनिल के अंकल हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया था? अनिल ने इंट्रोड्यूस किया रोहित को। कैसे? रोहित कौन है? सन है इनका, ये जो अंकल है इनका सन है। तो अंकल का जो सन होता है वो होता है आपका कज़न। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कज़न। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। पॉइंटिंग टू द लेडी मंजू सेड शी इज़ द सिस्टर ऑफ, यानी लेडी जो है वो सिस्टर है किसकी? फादर ऑफ माई मदर्स सन। तो ये जो रिलेशन है ये मंजू के अकॉर्डिंग देखना है। तो मंजू है और वो क्या कह रही है? माई मदर्स सन। मंजू की मदर है और मदर का सन है, यानी कौन हुआ वो? मंजू का ब्रदर। तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पर, यानी मदर्स सन की जो बात हो रही थी वो मंजू का ब्रदर है, और फादर देखना है ब्रदर का, वो कौन होगा? मंजू का ही फादर। इतना पार्ट हमने देख लिया कि मंजू अपने फादर के बारे में बात कर रही थी, और जो लेडी थी वो कौन है? सिस्टर। किसकी? मंजू के फादर की। तो फादर की सिस्टर कौन होती है? आंट। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आंट।
अगर इसी क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के देखना है तो मंजू अपने मदर सन की बात कर रही है, तो यहाँ हम मंजू की मदर बना देंगे और मदर का एक सन होगा जो कि इसका भाई है, ठीक है। साथ ही बात की है फादर ऑफ माय मदर सन, यानी इसके फादर, ये हो गए हस्बैंड वाइफ और ये इनके दो बच्चे। अब मंजू ने जिस लेडी को इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थी? शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर, यानी ये जो फादर हैं उनकी सिस्टर। तो मंजू के लिए ये कौन होगी? अगर उसके फादर की सिस्टर है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आंट। इस क्वेश्चन में हमें सिलेक्ट करना है ऑड वन आउट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो देखते हैं, जो 36 है ये होता है 6 का स्क्वायर, 81 इज़ 9 का स्क्वायर, 47 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता एंड 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, यानी जो ऑड वन आउट है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑड वन आउट पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ मंथ्स के नाम, इसमें से हमें ऑड वन आउट चूज़ करना है। तो मंथ्स दिए गए हैं तो एक तरीका होता है कि मंथ्स के हम नंबर ऑफ डेज देखें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मार्च जो है उसमें 31 डेज होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 डेज एंड जुलाई में 31 एंड अगस्त में होते हैं 31। तो क्लियरली जो ऑड वन आउट है वो है 30 डेज वाला अप्रैल, हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ अर हाउस, यानी यहाँ पर अगर हाउस है तो इससे 50 मीटर जो है साउथ गई और फिर राधिका ने टर्न किया लेफ्ट। जब साउथ जा रहे थे और लेफ़्ट टर्न लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज में चेक करेंगे ईस्ट आता है, तो अब वो ईस्ट की तरफ जाएगी और कितना चलेगी? 20 मीटर्स। तो कुछ इतना बना लेते हैं हम 20 मीटर्स। टर्निंग टू नॉर्थ शी गोज 30 मीटर्स। अब बोला गया है देन शी स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, तो इस पॉइंट से वो अपने हाउस की तरफ अगर जा रही है तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। तो अगर यहाँ से हमने डायरेक्शन देखनी है तो हम इस पॉइंट पर बना लेते हैं अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये डायरेक्शन जो है ये है नॉर्थ वेस्ट, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ से हम देखें कि ये 20 मीटर्स जो है ये नॉर्थ की तरफ चला। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स। अगर नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लिया यानी एंटी क्लॉकवाइज में देखो तो वेस्ट, यहाँ पर ये चलेगा 40 मीटर्स। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स, यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो तो साउथ बनता है और उसने कितना चला? 20 मीटर्स। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, यहाँ से उसने लिया राइट टर्न। राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखो साउथ से वेस्ट पड़ता है, अगर साउथ जा रहा है और राइट टर्न लेगा यानी इस डायरेक्शन में जाएगा और उसने डिस्टेंस चला 20 मीटर्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस हमने देखना है, दिस इज़ 20 मीटर और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 40 मीटर्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा? 40 प्लस ये वाला 20, क्योंकि हमें टोटल निकालना था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 मीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेन डायग्राम बतानी है, सही कौन सी है डॉग्स कैट्स और पेट्स के लिए। तो ये हमने वेन डायग्राम के लेक्चर में भी देखा था कि ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पेट्स को, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा डॉग्स को और थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कैट्स को। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अगर, कि पेट्स और डॉग्स में कुछ कॉमन एरिया होगा जहाँ पे हमारे पेट डॉग्स आएंगे और इस कॉमन एरिया में हमारी पेट कैट्स आ जाएंगी। जो ये एरिया है जो कॉमन नहीं आया, यहाँ पर वो वाले पेट एनिमल्स होंगे जो कैट्स भी नहीं हैं और डॉग्स भी नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये एरिया है जो कॉमन नहीं है पेट्स के साथ, यहाँ पर वो वाली कैट्स आएंगी जो कि पेट कैट्स नहीं हैं। सिमिलरली इस एरिया में वो वाले डॉग्स आएंगे जो कि पेट डॉग्स नहीं हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर सही है वो है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं, पेंसिल स्टेशनरी और जीप, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। अगर हम ध्यान से देखें पेंसिल जो है वो पार्ट है स्टेशनरी का, तो इनका सर्कल कुछ इस तरह होगा, आउटर सर्कल स्टेशनरी का, एक इनर सर्कल होगा जो
पेंसिल को रिप्रेजेंट करेगा। जीभ का रिलेशन इन दोनों से ही नहीं है, तो जीभ का सर्कल जो है वो अलग से बन जाएगा। तो अगर ध्यान से हम देखें, हमारा सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी। आउटर सर्कल है जो रिप्रेजेंट कर देगा स्टेशनरी, इनर सर्कल पेंसिल, और ये अलग से जो बना है वो जीप्स। क्वेश्चन 12 देखते हैं, सेकंड, मिनट्स और आवर्स। अगर हम देखें, सेकंड्स जो है वो एक सबसेट है मिनट्स का, और मिनट्स जो है वो सबसेट किसका है, आवर्स का। यानी जो सबसे बाहर वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, आवर्स जो है उसके अंदर मिनट्स, और मिनट्स के भी अंदर सेकंड्स। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 देखते हैं, ये बेस्ड है नंबर सीरीज टॉपिक पर। डिफरेंस देख लेते हैं, 5 में प्लस 1 करो तो 6, 6 में प्लस 2 करो तो 8, 8 में प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 इज़ 20 एंड 20 प्लस 6 इज 26। यानी जो हमें आंसर चाहिए वो क्या होगा, 26 प्लस 7, तो ये होता है 33। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 33। तो क्वेश्चन 14 में क्या लॉजिक है, 3 में किया गया है प्लस 2 और फिर 5 में किया गया है माइनस 1, 4 में किया गया है प्लस 2, देन 6 में माइनस 1, 5 में प्लस 2, देन 7 में क्या होगा, माइनस 1। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 6 लिखते और 6 में फिर प्लस 2 करें तो 8 बनता है, यानी हमारा ये पैटर्न सही हो गया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6। इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्विन सीरीज़ की तरह देखें, तो इसमें एक सीरीज़ जो चल रही है वो है 3, 4, 5 और 6, और दूसरी सीरीज़ चल रही है 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से भी इसका आंसर मिल सकता है हमें, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, यहाँ पे 13 को 17 बनाया है प्लस 4 करके, देन 17 में किया गया है प्लस 5, 22 मिल गया, 22 में प्लस 6, 28 में किया गया है प्लस 7, 35। तो 35 से नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, प्लस 8 करके, तो 35 में जब हम 8 ऐड कर देंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 43। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ दिया गया है, इफ़ पेन इज़ टेबल, टेबल इज़ फैन, फैन इज़ चेयर एंड चेयर इज़ रूफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पेन को कोड करके टेबल, टेबल को कोड करके फैन, फैन को कोड करके चेयर, और चेयर को कोड करके रूफ बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट। तो यूजुअली इस क्वेश्चन का आंसर होगा चेयर, लेकिन कोड लैंग्वेज में चेयर को क्या बोला गया है, चेयर को बोला गया था रूफ। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूफ। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है कोडिंग डिकोडिंग पे। यहाँ दिया गया है 37 मींस विच क्लास, यानी 3 और 7 में से एक नंबर होगा विच का कोड और एक नंबर होगा क्लास का कोड। उसी तरह 583 का मतलब है कास्ट एंड क्लास। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द कोड फॉर कास्ट। तो कास्ट वर्ड का जो कोड है या 5 होगा या 8 होगा या 3, इन तीनों में से ही कोई होगा। अगर हमें एंड और क्लास का कोड मिल जाए तो कास्ट का कोड हम बता पाएंगे। तो ध्यान से देखें, अगर क्लास जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और इनमें नंबर जो कॉमन है वो है 3, यानी क्लास का जो कोड है वो तो 3 हो जाएगा। तो अगर क्लास का कोड 3 था वो कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो बचा वो बचा कास्ट और एंड, और नंबर्स बचे 5 और 8। यानी कास्ट और एंड का जो कोड है वो 5 और 8। या तो ऐसा होगा कि कास्ट का 5 और एंड का 8, या फिर कास्ट का 8 और एंड का 5। तो ऑप्शंस में हम 5 या 8 नहीं चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे ईदर 5 और 8 वाली ऑप्शन, जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, 247 जो है वो किसका कोड है, स्प्रेड रेड कारपेट, 236 डस्ट वन कारपेट का, और 234 जो है वो वन रेड कारपेट। हमें फाइंड करना है डस्ट वर्ड का कोड। तो डस्ट वर्ड जो है वो प्रेजेंट है सेकंड वाले सेंटेंस में, 236 में से ही कोई कोड होगा, 236 यानी 5 तो नहीं होगा, ये ऑप्शन ही कैंसिल कर दीजिए। अब अगर हमें 1 और कारपेट का कोड मिल जाए तो जो थर्ड नंबर बचेगा वो कोड होगा डस्ट का। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 कारपेट, ये दोनों ही वर्ड्स प्रेजेंट है सेकंड में, और 1 और कारपेट प्रेजेंट है थर्ड में भी, इन दोनों में
2, 3, 6 और 2, 3, 4 में 2 और 3 कॉमन है, यानी 2 और 3 जो है वो कोड होगा 1 का और कारपेट का। तो 2 और 3 जो है वो डस्ट का कोड तो नहीं है, यानी ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6। यहाँ से हम देखें 6 जो है वो डस्ट का कोड है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ये बेस्ड है फिगर सीरीज कंप्लीशन टॉपिक पर। हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस गिवन हैं, जिसमें से 3 बॉक्सेस में कुछ पैटर्न बना है और एक बॉक्स जो है वो ब्लैंक है। ये ब्लैंक बॉक्स में ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वाला फिट होगा वो हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान से पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक उल्टा वी दिया गया है और एक सीधा वी, देन एक उल्टा, तो यहाँ पर क्या होगा? एक सीधा वी बनाया जाएगा। और ये जो वीज हैं ये एंड टू एंड बन रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ए ऑप्शन में कॉर्नर तक नहीं बन रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सी में भी कॉर्नर तक नहीं बन रहा, ये भी कैंसिल। तो बचे ऑप्शंस बी और डी। तो फर्दर देखते हैं, एक इस तरह से वी शेप बन रही है और एक ऐसे, देन ऐसे बनेगी और इस बॉक्स में वी शेप बनेगी ऐसे, वो भी एंड टू एंड। तो बी और डी ऑप्शन में से एंड टू एंड जो है वो डी ऑप्शन में है, हमारा ये सही हो जाएगा। बी में जो ये शेप बन रही है ये कॉर्नर तक नहीं बन रही, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर एक भी ऐसे बनेगा और कॉर्नर से कॉर्नर एक भी इस तरह। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे थे और आपके जितने भी सही आंसर्स आए हैं वो आप टैली कर लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप 20 क्वेश्चन तक आए हैं यानी ये वीडियो आपको हेल्पफुल तो लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तीनों ही बॉक्सेस में सर्कल बन रहा है, तो इस तरह से कुछ सर्कल कंप्लीट हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं है, सी भी नहीं है और सर्कल जो है वो सिंगल लाइन है, यहाँ पर डबल नहीं, तो डी भी ऑप्शन कैंसिल। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक ही बची जो कि है ऑप्शन बी। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जब तक आप टोटल देख रहे हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में से, तब तक मैं आपको क्विकली बता दूं, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।